हेलो। हाँ हेलो कि जी आज से वहां पे वो जी पास कौन पे है। अरे अंजू अमजुम से बात हो रहा ना। आप जी प्रकाशक उनके माता जी है ना, उकाशा है। हाँ के आप माता जी है ना अंजू। अरे वो 12वीं क्लास के एग्जाम दिए थे ना। जी। हाँ मैं उसी लिए मैंने कॉल किया हूँ। बताइए। हाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, डाटा एंट्री क्लर्क है। अच्छा जी। मैं इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ डाटा एंट्री क्लर्क, और जो बताना ये चाह रहा हूँ जो कि आपके जो बच्चे हुए जो कि 12वीं के एग्जाम दिए थे वो इसमें से हाँ टीचर से कॉपी चेक पकड़ के हमारे पास आया है अपलोडिंग करने के लिए रिजल्ट। ओके मैं एक डॉक्यूमेंट्री क्लर्क हूँ, टीचर से कॉपी चेक पकड़ के हमारे पास आया है अपलोडिंग करने के लिए रिजल्ट। वही हम अपलोडिंग टाइम हम आपको कॉल किए हैं कि कितना नंबर आपका बच्चे का दिया गया है। बट इसमें से हम देखे हैं तो आपका बच्चे को एक एक विषय में ये इनका क्रॉस लगा हुआ है। हाँ सब्जेक्ट में ये फेल कर रहे हैं। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है वो? वो सब्जेक्ट इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके बच्चे फेल हो रहा है। सर कुछ कर रहे हैं आप? बच्चे का साथ खराब हो जाएगा। आपके बच्चे फेल हो रहे हैं वही जानकारी देने के लिए कॉल किए हैं। और इनका जो रोल कोड नंबर है 10 71 इनका रोल कोड है। रोल नंबर है 22 31 29 75 47। हाँ और बताना ये चाह रहे हैं जैसे कि एक सब्जेक्ट में ये फेल हो रहे हैं तो अगर अभी आप पास करवाना चाहते हैं क्योंकि अभी जो नंबर हम देंगे वही नंबर इंटरनेट पर दिखाएगा, तो अगर आप जो पास करवाना चाहते हैं तो अभी पास कर दिया जाएगा। पास मस्ट दे दिया जाएगा बट उसमें पेमेंट खर्च लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है पेमेंट खर्च हाँ खर्च आपका लगेगा 5000 रुपीज 5000 रुपये लगेगा खर्च। सर बहुत हो जाएगा, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं सर, क्या कुछ आप कर रहे हैं? कुछ कर ले आप, क्या बोले? मैं कुछ कर ले आप, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं सर, इतना ना कर पाएंगे हम। जो लग रहा है वो हम आपको बता दिया हूँ। वो बात आपकी सही है लेकिन सर कुछ तो सोचे, क्योंकि हम एक डाटा एंट्री क्लर्क बात करें और भी यहाँ पर सर है, ऑडिटर सर है, इंचार्ज सर है, हेड सर है, जो मिल करके माइनस करके हम आपको कॉल किए हैं। वो बात आपकी सही है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने फोन किया, आप बच्चे का साल खराब हो जाएगा, जरा मेहरबानी करके कुछ कम करने, इस तरह ना कर पाऊंगी। अभी तो मैंने छोटे बेटे की फीस तक नहीं भरी है, मेरे हालात इतने हैं, आप कुछ मेहरबानी कर। मैं तो कर दूंगा बट खर्च जो लग रहा है आप दीजिएगा तो ना, अभी तो आपका खर्च लग रहा है तो आप दीजिएगा अभी तो ना। आप खर्च तो ज्यादा बता रहे हैं, आप कुछ कम करें। कितना खर्च अभी दीजिएगा? हाँ कितना भी पेमेंट दीजिएगा, आपको 5000 रुपया हम बोले हैं तो कितना दीजिएगा? सर मैं 2000 रुपये दे सकती हूँ, मैं भी क्या बोले 2000 रुपये दे सकती हूँ, मैं भी घर में मजदूरी करती हूँ यार, मैं चूड़ी मुड़ी बनाती हूँ, मैं भी मजदूरी करती हूँ। 2000 रुपया भी दे सकते हैं जी, तो ये आपको ड्यूज रह जाएगा 3000 रुपया। 2000 में काम कर ले आप, बड़ी मेहरबानी होगी। 2000 में हम आपने बोले हम आपकी बात मानते हैं बट हम 2000 रुपया में आपके लिए मैम के बारे में हम आपको मैम लगती है इसलिए बोल रहा हूँ कि 2000 रुपया मैं मान लेता हूँ। ठीक है अगर इनके पिताजी रहते तो 2000 रुपया में मैंने नहीं मानता हूँ बट ये 2000 रुपया मैं मान लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से काम कर देता हूँ। पेमेंट जैसे ही आएगा पेमेंट आने के बाद 10 से 20 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट बनाएंगे वो रिजल्ट आपके व्हाट्सएप नंबर मांग लेंगे, आपके व्हाट्सएप पर रिजल्ट आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा और वही नंबर फिर इंटरनेट पे चढ़ेगा। ठीक है तो आपको हम जब भेज देंगे अभी 2000 रुपये ले रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट यहाँ से बना करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, उसके बाद ड्यूज पेमेंट आपको करवाना पड़ेगा मैम। ठीक है करवाना पड़ेगा 2000। मैं आपको पेफोन गूगल पे आप चलाते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो फिर अकाउंट नंबर आपको दे देते हैं। आपको जो सुविधा है ट्रांसफर करवाने के लिए कि हाँ सर मैं ये मेरा ये सुविधा है ये गूगल पे नंबर दे दीजिए या पेफोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको वो दे देता हूँ, नहीं तो फिर आपको अकाउंट नंबर दे देता हूँ। ठीक है सर, इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है ना, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ, जरा
मैं आपसे घर जाकर बात कर लूंगी। तो कितना समय तक बाहर में जाकर के आप बात करिएगा? कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे के अंदर में? चलिए ठीक है, चलो ठीक है, ओके।